सो अस्सलाम वालेकुम। और अभी हो रहे सुबह के 10:16। हादिया ने बहुत शोर कर करके मुझे उठाया बिला वजह कि चाचू उठ जाए। काम इसका मुझसे कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उठाया। इंतजार हो रहा था अम्मी का और अम्मी आ चुकी है टेबल पे। तो नए व्लॉग में खुश आमदी। नाश्ते में तो आज काफी सारी चीजें। और तुम क्या खा रही हो? क्यों? जबकि जो बयान खाता था ना, उसके हाँ। बाद माला काला मुझे परसों के लाती थी, इतना गंदा था। ये लीजिए। मुझे खून निकल रहा, मैं यूरिन आ रही है। अब मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और देखना बाहर क्या हो रहा है। चाचू सो क्यों रहा? मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बुखार हो रहा है। यहाँ पे राम सोए उधर? नहीं, मुझे सुबह इतनी गंदी तरह उठाया गया, मुझे नींद आ रही है। झूठ ना बोलो, आपने बोला था हादिया तुम मुझे सुबह सुबह उठा देना, दवाई देगा। जी नहीं, मैं सुई लगवाऊंगा। मैं बोलूंगी कि मैं सारी लग खा के मैं बोलूंगा सुई लगाए तो देख मैं लगता हूँ बोलूंगा सुई लगाओ। मैं बोलूंगी मेरे चाचू को लगाओ। चाचू को सुई लगाओ, शर्म नहीं आती? चाचू ना करो, एक हाथ में मोबाइल है। तो आज दोपहर में खाने में है चावल, आलू और रायता और सलाद। ये जो ट्रेंडिंग है इस तरह का खाना होता है ना, देसी खाना, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब कढ़ाई हो गई और कोरमा शीरमा और रोटी और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। शाम में हीरू की एक लंबी वॉक ज़रूरी है, क्योंकि इनको वॉक कराना लाजमी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो भी चीज़ वगैरह मतलब खाना वाना खाता है, कुछ भी करता है, तो उसको बाहर जाना होता है। मतलब ये चीखता है कि मुझे बाहर लेके जाओ, वॉक पे लेके जाओ, तो उसको 15-20 मिनट की एक लंबी वॉक करवानी पड़ती है। हो आज तो बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि हादिया ने मुझे सुबह मॉर्निंग में उठा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो सुबह से ही चाचू चाचू बुखार चाचू बुखार। असल में उसने अपने दांत के अंदर मार ली है माचिस की तीली, तो उसको दांत में तकलीफ है, जिसकी वजह से चढ़ा है बुखार। तो उसने सबका किया है जीना हराम। मैं तो सो गया था, उसके बाद मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। तो अभी इत्तेफाकन मेरी आँख खुल गई, तो मैं उठ गया। मुझे याद आएगा कि व्लॉग आज करना है। हाल में तो मेरी अभी आँख खुली है, और अभी आँख खुली है तो चाय भी किसी अल्लाह के बंदे ने पहुँचाई दी है। तो चाय ख़त्म करते हैं। काम ये है कि अलमारी में से आ जा रही है बहुत ज़्यादा खुशबू, जज्बाती में शायद कोई परफ्यूम की बोतल वगैरह टूट गई है, तो चाय पीते हैं उसको साफ़ करते हैं। अब सीन ये है कि अलमारी में से आ रही है बहुत ज़्यादा खुशबू। खुशबू का सारा सीन क्या है, क्योंकि मैंने कल जज्बात में आके यहाँ से एक बोतल निकाली और बोतल पड़ी हुई नीचे, ये रही। और जगह जगह देखिए परफ्यूम्स ही परफ्यूम पूरा गिर गया है मेरा। तो पहले चेक करते हैं कि परफ्यूम गिरा कौन सा। नहीं, पूरी बोतल ही खाली हो गई। ये गिरा स्टिल जेनिफर लोपस, ये परफ्यूम गिरा पूरी आ रही है खुशबू खुशबू अलमारी के अंदर। ये मेरी कैप है, इस कैप पर भी पूरा सारा चिपक गया है, लेकिन अब परफ्यूम में तो ऑयल होता है तो वो धुल तो सकता नहीं है। तो ये वाली कैप भी मेरी पूरी ख़राब हो गई है। और मैं मुझे ना सैंट्स का बहुत शौक है, परफ्यूम्स और सैंटेड कैंडल्स। ये मुझे मेरा कोई था, उसने गिफ्ट की थी, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। वैसे मुझे कैंडल्स वगैरह का तो खैर शौक नहीं है, लेकिन परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है। इधर ही हो मैं, सो रहा था, नींद आ रही थी। तो मुझे परफ्यूम के साथ साथ, जैसे परफ्यूम्स का मुझे क्रेज़ है, ये मेरे बहुत कम परफ्यूम है, मतलब ये मेरे डेली यूज़ के परफ्यूम। शीशा मेरा फेवरेट है, मेरे पास M16 वाला शीशा है। और मुझे गिफ्ट भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, मतलब मुझे पसंद ही इस तरह की है। वॉचेस पसंद है, हुक्का पसंद है, शूज़ पसंद है, परफ्यूम्स पसंद हैं, कैप्स पसंद हैं, बाकी और इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें खास पसंद नहीं है। तो
अलमारी वगैरह मैंने कर ली है, जो परफ्यूम गिरा था अलमारी में वो कर दिया मैंने क्लीन, और कुछ कॉलेज के दोस्त पहुँचे घर पे, और सीन ये है कि आज हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, आज हम पैदल पैदल जाएंगे बाहर कहीं कुछ पीने के लिए, क्योंकि पेट में हो रही है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का इशू, तो चलते हैं बाहर। पूरी दीवार पे बिल्लियां बैठी हैं, नीचे भी बैठी हैं। गंदगी का जो आलम है ना ये इन लोगों को काटा था आज सही वाला, ये लोग लेके निकले मुझे पैदल, और दूर दूर तक सन्नाटा है पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं, आगे बोला है मतलब क्या लग जैसे आप देने में डर लग रहा था अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। हम लोग पहुंचे लिमके वाले चाचा पे, चाचा कैसे हो आप, लाइट तो खोलो, हाय हाय चाचू लिमका पिला दो लेमन बॉय हाय 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 ओह माय गॉड वाओ तेरे खैर से खोलना गजब बेइज्जती है। पहुंचा हूँ घर पे, बाहर घूम रहे थे हम लोग आज, मैंने कहा थोड़ा पैदल चलते हैं बाहर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बाइक गाड़ी बाइक गाड़ी बाइक गाड़ी, पैदल चलने का मौका ही नहीं मिलता कभी, तो आज मैंने सोचा पैदल चलते हैं, क्योंकि पेट में और सब बहुत शदीद दर्द, नो डाउट बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कहा वॉक करते हैं थोड़ा लिमका पी के बाहर से थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आए। बहरहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोगों को ये बात मुझे दोबारा रिमाइंड करा ली है कि जैसे कि आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारे इंटीरियर साइड के हालात जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, जिस तरह का सुन रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में कि हमारे पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि हमें लोगों की हेल्प करें, तो सिंध में बलूचिस्तान में आप लोग जाएं, अगर आप लोग इतने स्टैंड करते हैं इतना एबल हैं आप लोग, तो सिंध में जाएं बलूचिस्तान में जाएं लोगों की हेल्प करें वहां जाकर, क्योंकि वहां पे बहुत शदीद ज़रूरत है लोगों को हेल्प की। और मैंने भी आज अभी बाहर निकला था लिमका पीने के लिए, तो मैंने रोडों पर देखा कि लोगों ने बाकायदा कराची में स्टॉल्स लगाए, आई अप्रिशिएटेड, ऐसा करना चाहिए, जो स्टॉल्स लगे हैं आपके पास जितने भी पैसे हैं चाहे आप थोड़े से ही पैसे दें, लेकिन आप स्टॉल्स पर पैसे जमा करें ताकि किसी सामने वाले इंसान की मदद हो जाए, अपनी मदद जो आप ख़ुद मदद करना चाहते हैं आप, ये तो वेल एंड गुड है अगर आप खुद जाके उनकी मदद करेंगे, नहीं कर सकते तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत सारे डोनेशंस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, और वहाँ जाके लोगों की हेल्प करने की कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी निकलूँ वहाँ जाऊँ थोड़ी लोगों की हेल्प करूँ, तो अल्लाह पाक आप लोगों के भी रास्ते आसान करे और मेरे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। We're gonna make it.